हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बॉक्सर सिराज आजाद। आज हम जे पंच और रीच पावर और डायरेक्ट पंच, डायरेक्ट और रीच और पावर पंच, हम तीनों कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग रीच पंच किस तरह की है। सबसे पहले आपको अपनी डायरेक्शन सही करनी है और पंच लगाते वक्त आपको पैर का इस्तेमाल जरूरी है। क्या रीच पंच में रीच पंच के लिए आपको इस कंधे का थोड़ा सा मूव करना जरूरी है कि आप रीच चला रहे हो पंच रीच में, आपको यह थोड़ा सा इसको और बनाना है। रीच पंच रीच पंच के लिए आपको इस तरह स्मार करना और पैर कर खोलना। ये रीच पंच और पावर पंच के लिए, पावर पंच के लिए आपको थोड़ी सी बॉडी को बिल्कुल सीधी स्ट्रेट करनी है और इसको कम क्रॉस में रखनी है और इसका दबा पैर का दबाना जरूरी पड़ता है। जब आप मारोगे तो सामने वाला पैर लिफ्ट उसको दबाना पड़ता है। ये तो यहाँ उसको भर के मारना है, बस भर के मारना है उसको। पावर पंच पावर पंच है, पावर पंच के लिए आपको करना पड़ेगा। पावर पंच के लिए, पंच के लिए आपको डायरेक्ट पंच मारने तो तीसरी हमारी जेब पंच है जिसमें बॉक्सर को खेल दो। इसमें आपको ये हाथ का इशारा करना नहीं है, तो आप यूं भर के मारेंगे या ऐसा रीच मारने के लिए आप पैर इस्तेमाल करेंगे तो बॉक्सर आपको डोज करेगा, डिफेंस में जाएगा, वो डिफेंस करेगा आपको पंच को, आपको डिफेंस के साथ आपको पंच मारेगा। इसमें आप बॉक्सर आपका खड़ा हुआ है तो इसको डायरेक्टली पंच मारनी है। क्या ये आपको डायरेक्ट पंच मारने ये डायरेक्ट पंच है ये डायरेक्ट मार सकते हो उसको। तो अगर आप पावर के लिए तो बॉक्स दिखेगा और रीच मारने के लिए तो आपको इससे बेहतर ये होगा डायरेक्ट पंच के लिए। डायरेक्ट पंच मारे, ये तीन कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको रीच पावर और डायरेक्ट पंच, ये तीनों पंच है। और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।